सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से गूगल क्रोम के इकोग्निटो मोड की हिस्ट्री आप किस तरह से पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम में एक आप सभी को मालूम ही होगा कि ऐसा मोड होता है जो प्राइवेट होता है, उसकी हिस्ट्री कभी भी नहीं बनती। पर ये आप सभी का एक वहम है, उसकी भी हिस्ट्री बनती है जो कि हमारे डीएनएस में सेव होती है। तो चलो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख सकते हैं ये सर गूगल क्रोम है और मैं इसका इकोग्निटो मोड ओपन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी हिस्ट्री पता करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि विंडोज में जाकर सर्च करना है कमांड प्रॉम्प्ट। आपको सिंपली ये सर्च करना है और इसको रन एज एडमिनिस्टर कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको गूगल क्रोम को क्लोज कर देना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना है कलर ए, इससे कि इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये कुछ कमांड्स है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आपको सिंपली इनको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जाकर सर्च करना है आईपी कॉन्फिग स्लैश डिस्प्ले, आपको सिंपली इन कमांड को यहाँ पर टाइप कर देना है। तो मैं फ्रेंड्स दिखा देता हूँ, ये देखिए आईपी कॉन्फिग स्लैश, तो आपको सिंपली यही टाइप करना है डिस्प्ले डॉट डीएनएस और हिट एंटर पर क्लिक कर देना। तो ये देखिए, इसने मेरी जितने भी मेरी हिस्ट्री है जो मैंने इकोग्निटो मोड में आज तक यूज की है वो सारी सारी शो कर दी है। ये देखिए, मैंने ओबीएस प्रोजेक्ट डॉट कॉम इसको ओपन किया था। ये मैंने कुछ वेबसाइट्स है जिनसे मैं मूवीज डाउनलोड करता हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए, मैंने ये सभी वेबसाइट चेक की थी तो इसकी मेरी हिस्ट्री शो कर दी है। तो फ्रेंड्स, तो बताऊंगा कि आप किस तरह से इस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। आपको सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट को मिनिमाइज कर देना है, उसके बाद आपको गूगल क्रोम में ओपन करना है। यहाँ पर आपको सिंपली ये देखिए सेकंड वाली जो कमांड है, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये देखिए, आपके सामने एक पेज हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर देखिए डीएनएस है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लियर होस्ट कैचे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी इकोग्निटो मोड की हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगी। और इसको क्लियर होस्ट कैसे कर दिया है। अब यही सेम चीज मैं माइक्रोसॉफ्ट एज में जाकर कर देता हूँ। आपको सिंपली इन दोनों को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप मैसेज, अब फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो आपकी जो हिस्ट्री है उसकी आप फाइल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपको फिर से जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पर, इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है सी, टाइप करना है सीडी स्लैश सी सी इनवर्टेड कॉमा स्लैश, एंटर कर देना है। ये आपके डायरेक्टरी शो हो जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली आप देख सकते हैं हमारा थर्ड वाला जो लिंक है, सिंपली इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है और हिट एंटर पर क्लिक करना। तो आप देख सकते हैं मैं हमारे जिस पीसी की सी ड्राइव में ये एक लिस्ट नाम की टीएक्सटी फाइल बना दी है, जहाँ पे हमें हमारी सारी के सारी हिस्ट्री का डाटा दिख रहा है। और जो फ्रेंड्स, जब हम हिस्ट्री को क्लियर करते हैं, हिस्ट्री क्लियर होने में कम से कम एक या आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद आप रिजल्ट खुद सर्च करके देख सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगी। आई होप गाइस यू इंजॉय अवर दिस ट्यूटोरियल, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।